नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक काफी ज्यादा प्रमुख खबर साझा करेंगे जो कि आप सभी के समायोजन से संबंधित है। दरअसल पूरी खबर क्या है विस्तार पूर्वक आगे वीडियो में जानेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। 45 जनपद के जिलाध्यक्षों को और अपने अनुदेशक साथियों को, चाहे वो जिस भी संघ में हो, जिस भी संघ के बैनर तले चल रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा कि अनुदेशक की जो आवाज उठाएगा, अनुदेशक हित के लिए जो संघर्ष करेगा, हम सब कुछ भूल कर उसके साथ खड़े होंगे, तन मन धन से खड़े होंगे। तो हम उन सभी जिलाध्यक्षों को, 45 जनपद के जिलाध्यक्षों को बधाई देना चाहेंगे, उन समस्त अनुदेशकों को बधाई देना चाहेंगे कि 10 वर्षों की जो हुआ उसको भूलकर एक मंच पे आइए। इस फरवरी माह में हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद एक मंच पे आकर अपने संघर्षों की गाथा लिखेंगे और उस संघर्ष का परिणाम ये होगा कि अनुदेशक, एक एक अनुदेशक नियमित होगा, एक एक अनुदेशक को सम्मान मिलेगा, जिस प्रकार से कल मेरे साथ हुआ। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जब तक एक एक अनुदेशक को नियमित नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जितना रोकना है रोक लीजिए, जितने सवाल पूछना है पूछ लीजिए, लेकिन जितनी ईमानदारी से विद्यालय में काम करता हूं, डंके की चोट पे काम करता हूं, उतनी ईमानदारी से संगठन भी चलाता हूं। मैं विजय किरण आनंद जी से मिला, विजय किरण आनंद जी की भाषा वही नेताओं की तरह, मैं 3 बार मिल चुका अभी तक इस वर्ष, लेकिन उनकी भाषा उसी प्रकार, जिस प्रकार से नेताओं के बयान आते हैं, जिस प्रकार से नेताओं के आश्वासन आते हैं, विजय किरण आनंद जी का भी उसी प्रकार से आश्वासन का दौर जारी है कि हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन धरातल पे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम अनुदेशक साथियों से कहना चाहेंगे कि इस साल लग जाइए और लोकसभा चुनाव तक संघर्ष करिए, और लोकसभा चुनाव तक यदि हम अनुदेशकों के कार्य नहीं होंगे तब फिर हम एक निर्णय लेंगे, और उस निर्णय के द्वारा हम जो अंतिम एक एक उस काम को करेंगे जिस काम से अनुदेशक नियमित हो, लेकिन तब तक चलेंगे। किसी टेक्निक इशू के चलते हमारा संपर्क विक्रम सिंह से टूट गया है, और जल्द जैसे ही वो हमारे सामने होंगे, हम फिर हमारे साथ शिक्षा मित्र संघ के उमेश पांडे जी हैं, और उमेश पांडे जी से मैं पूछूंगा क्या तैयारी है लखनऊ की रैली की। हालांकि इसके लिए एक बड़ी पहल ये है, सभी शिक्षा मित्र इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं, सभी शिक्षा मित्र संगठन भी इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं, तो एक अच्छी बात है कि कुछ नया हो। संघे शक्ति, संघ में ही शक्ति है, अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे आपको कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। सरकारें जान चुकी हैं, आपके कई संगठन हैं, किसी संगठन को मिला के कुछ अधिकारी मिल लेते हैं, उन्हीं को बता दिया जाता है जल्द कुछ भला होने वाला है, और ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं जानता हूं कि ना तो 1,65,000 शिक्षा मित्रों को कुछ मिला, ना 27,000 अनुदेशक, 41,000 से ये आ गए।